भी होने को लग रहा है बिकॉज़ तू फोन पे। हाय रणबीर, अच्छा कैसे कर रहे ऐसे खड़े ऐसे ही मार रहे। हाय रणबीर, रणबीर एंड वानी, वेरी गुड मॉर्निंग। फिल्म आज आपकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आज आपकी फिल्म रिलीज हो गई है। एक्चुअली ये थोड़ा वियर्ड फीलिंग है कि हम आज रिलीज हुई और आज हम यहाँ आए हैं रिएक्शन देखने, बट बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है। एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है ऑडियंस के लिए, सो आई जस्ट होप कि ऑडियंस फिल्म को चांस दे एंड लेट देम डिसाइड, क्योंकि ऑडियंस किंग है, वो राजा है। व्हाट एवर द ऑडियंस डिसाइड्स ऑन द फिल्म, वी विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट। सेम या वट एवर रणबीर सर, आई थिंक हम सब, एवरी एक्टर, एवरी डायरेक्टर, फिल्म मेकर, वी ऑल एज अ यूनिट आर फीलिंग दैट excitement, we are hoping to get that love, we are hoping ki audience entertain ho aur pyar de sake film ko aur hum logo ko. Well, I hope pasand karenge, but ye actually jo aap jis बारे में बात करें वो 80s 90s वाली डकॉइड फिल्म नहीं है, ये बहुत नई फिल्म है। इसी कोई रेफरेंस मैं नहीं दे सकता कि ये फिल्म ऐसे है या वैसे है। जब आप देखोगे आपको डिसाइड करोगे, मतलब मेरे बोलने से इतना कुछ मतलब बनता नहीं है, बट बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मैं ये कह सकता हूँ। पीरियड फिल्म है क्योंकि उस जमाने में जो ट्राइबल एक्ट, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट हुआ था, उससे लेकर एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई है, बट बहुत एंटरटेनिंग तरीके से बनाई है, बट आई होप कि ऑडियंस को एक्सेप्ट करें। Oh, you are watching? अरे यार उनसे बात करो यार, हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, उनसे बात करो। सो आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। आई थिंक द क्वेश्चन एंड द आंसर इज कम एट द राइट टाइम। व्हाट डू आई से, आई फील ब्लेस्ड, बिलीव मी, आई एम फीलिंग इमोशनल बिकॉज आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट समवन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड द ऑडियंस इज स्टैंडिंग देयर एंड गिवन अ रिएक्शन फॉर द फिल्म। सो इससे बेटर मैं अब मेरे लिए बोलने के लिए नहीं बचा कुछ। अरे हम क्यों छोड़ के आ गया, भाग अंदर, ज्यादा हो गया, अभी वापस जाओ अंदर। वेल एक्सपेक्टेशन यही है, ऑडियंस को पसंद आए, उनको हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, उनकी एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, एंड वी'ल सी, यू नो, अभी ये वीकेंड कैसा जाता है, हाउ द ऑडियंस टेक्स इट। अभी तो बहुत जल्दी है मैम, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमें और पता लगेगा कि कैसे ओपनिंग लगी है, ऑडियंस को कैसे पसंद आ रही है, बट राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू टेल। मैम नर्वसनेस एक्साइटमेंट मेरे लिए दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं, पर अभी जैसे एक इन्होंने रिएक्शन दिया जो आए बीच में से पिक्चर छोड़ के, आई एम फीलिंग सो नाइस दैट पीपल आर एंजॉइंग इट एंड यू नो फॉर अस आई थिंक दैट्स ऑल वी लुकिंग फॉर यू नो एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट या नर्वसनेस ऑलवेज स्टेज, आई थिंक इट्स टू अर्ली अ स्टेज फॉर मी, फॉर एनी वन ऑफ अस टू फिगर आउट हाउ पीपल आर गोना बट सो फार या इट्स एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस बोथ। वो एक्चुअली सो रही थी अभी, मैं जल्दी उठ के आ गया हूँ, बट एक्चुअली आलिया ने कल फिल्म देखी, उसने बहुत प्यार दिया हम सबको, शी रियली लव्ड द फिल्म एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग टेक मार्क इन माय लाइफ। एक अच्छा है कि यू नो घर पे बीवी खुश है तो मैं खुश हूँ। मैंने डार्लिंग फिल्म भी देखी है, बहुत कमाल की फिल्म है, जैसे आप सब एक्सपेक्ट करते हो आलिया भट्ट की फिल्में कैसे होती है, उसी लेवल पे है, उसी मकाम पे है, तो प्लीज जब रिलीज होगी आप सब मौका देना।